गुड इवनिंग बच्चों। बहुत सारे बच्चों को जब मैं कहता हूँ कि यार तुम लोग को पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई से कुछ अच्छा नहीं है और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना चाहिए, तो स्वैग क्या है पता है? मुझे बोलते हैं सर देखिए पढ़ाई लिखा इंडियन इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही है सर, मजे से चल रही है इंडियन इकॉनमी सर। स्टार्टअप्स तो आप ही पढ़ाते हैं ना, हम तो स्टार्टअप बनाएंगे, यूनिकॉर्न बनाएंगे सर, बढ़िया हॉर्न बनाएंगे, पाँव 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 करते रहेंगे। मैं बोलता हूँ कि बच्चों प्लीज देखो एक बार पढ़ाई कर लो, फ्यूचर में अगर बिजनेस नहीं चला तो कम से कम एक अपने पास बैकअप तो होगा ना। ठीक है आप करो अपने को जो करना है करो, बट पढ़ाई से क्या होगी ना, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मुझे एग्जाम्पल देते हैं, सर आपको पता है MBA चाय वाला है, सर उसने MBA के कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिला तो गुस्से में आके उसने चाय की दुकान खोल ली, और सर देखिए उसकी चाय की दुकान इतनी चल रही है सर, ही हैज बिकम एन इन्फ्लुएंसर एन अल्ट्रा एंटरप्रेन्योर, ही इज गिविंग ऑल द इंटरव्यूज मीटिंग ऑल द बिग शॉट्स। तो बच्चों देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए जब तक आपको एडुकेशन नहीं होगा, एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट एडुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने शायद ड्रॉपआउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं, वो भी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट बुक्स पढ़ते रहते हैं। और ये देखिए बच्चों MBA चाय वाला जिसको आप अपनी इंस्पिरेशन मान के पढ़ाई छोड़ने की सोच रहे थे, उनका क्या हाल है एक बार ये भी चेक कीजिए बच्चों। आज हम सभी में युवा साथियों के साथ में ये लसुनिया खाने पाए हुए MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को पंचायत से बेची थी, 30-30 लाख रुपए में पंचायत से बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने पंचायत से बोला था कि हम आपके आएंगे हम चलाएंगे 10,000 रुपए का मेला रहेगा, 600 रुपए का मेला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सबने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब किसी ने ब्याज का पैसे लिए, ऐसी स्थिति हो गई कि आज घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नमस्ते, मैं प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चावला। कुछ बीते समय में MBA चावला और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धूमिल और नीचे दिखाने की कोशिश की गई है जो कि सरासर गलत है। फ्रेंचाइजी के मामले को लेकर ये सब चर्चा गर्मजोशी पर है शायद, परंतु हम इसमें पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट जेन्युइन है। हमने किसी से इतना पैसा नहीं लिया है जितना बताया जा रहा है। एक फीस होती है 5 साल की सर्विस की, वही फीस हमने सबसे ली है और वो पूरे अकाउंट में है और ये सभी को ज्ञात है, जिसने दिया है उन्हें भी और जिनने लिया है मतलब हम कंपनी एज ए कंपनी, हमें भी पता है। दूसरी चीज धोखाधड़ी और इनका आरोप लग रहा है तो वो भी सरासर गलत है। हम आज भी हमारे आउटलेट्स के साथ खड़े हैं, कुछ 2, 5, 10 लोगों को कुछ शिकायतें हैं जिसका समाधान संभव है, और बाकी जितने रेस्ट ऑफ द आउटलेट्स 70-80 आउटलेट जो बढ़िया से चल रहे हैं उनके भी पॉजिटिव फीडबैक मार्केट में है, वो खुद भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के व्यापार कर रहे हैं। तो इन चीजों पर जो भी मार्केट में चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, और मुझे लगता है कि